बारिश होने को थी, आसमान काले बादलों से घिर चुका था। लो चिड़िया, अब तो बारिश भी होने वाली है, हमारा क्या होगा। सुबह से दाने की खोज में भूखे प्यासे उड़ रहे हैं। गौरी, थोड़ा और दूर तक जाते हैं, कैसे भी करके हमें दाना तो ढूंढना होगा। अगर एक बार बारिश होने लगी तो फिर हम उड़ नहीं पाएंगे, तो जल्दी चलो। ऐसे चिड़िया और गौरी जोर जोर से उड़ रही थी। दूर एक अंगूरों की बेल थी, जिस पर एक दो ही अंगूर लगे थे। वो दोनों बेल के पास रुक जाती हैं। चिड़िया, किस्मत फूटी है, ये बेल भी मिली जिस पर सिर्फ एक दो ही अंगूर है, इनसे हमारा क्या होगा। गौरी, अंगूर कम है तो क्या हुआ, कम से कम हमें आज का भोजन तो मिल गया, ऐसे उदास नहीं होते। चलो जल्दी से ये अंगूर तोड़ लेते हैं। ऐसे गौरी को तो जो भी अंगूर दिखता वो उसे फट से खा जाती, मगर चिड़िया ने तो अपने अंगूरों को जमा कर लिया था। और ऐसे ही दोनों को काफी देर हो जाती है। अब चलो चिड़िया, इस बेल पर एक भी अंगूर नहीं है। अरे गौरी, आपके अंगूर कहाँ हैं? क्या तुम्हें एक भी अंगूर नहीं मिला? चिड़िया, अंगूर थे ही कितने, दो चार ही तो मिल रहे थे, मैंने वो सब खा लिए, अब तुम भी खा लो। गौरी कभी, मैं अपनी बेटी के साथ खाऊंगी, वो भी तो भूखी है। चिड़िया के अंगूरों को देखकर गौरी को लालच आ जाता है, वो तो चिड़िया के अंगूरों को लेकर भागने की कोशिश करती है। चिड़िया, उस बेल पर अभी कितने सारे अंगूर हैं, हमें पत्तों में नहीं दिखे, चलो अब तोड़ते हैं। चिड़िया जैसे ही अपनी नज़र पीछे घुमाती है, गौरी कव्वी झट से अंगूर लेकर भाग जाती है। कहाँ है अंगूर, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। अरे ये क्या, गौरी तो मेरे अंगूर लेकर भाग गई, ये गौरी बहुत बुरी है। चिड़िया गौरी के पीछे भागने वाली थी कि तभी जोर की बारिश होने लगती है। चिड़िया तो वहीं बेल में छुप जाती है। गौरी गौरी, ये आपने अच्छा नहीं किया, मेरी बच्ची घर में भूखी है, ऊपर से ये बारिश, मैं अब घर कैसे जाऊंगी और अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी। ऐसे चिड़िया अपनी बेटी को याद करती है, तो गुड़िया का भी रो रो कर बुरा हाल था। बिजली की आवाजें उसे बहुत डरा रही थी। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। ऐसे गुड़िया भागकर दरवाजे पर आती है, उसे गौरी का भी दिख जाती है। वो पूछने लगती है, गौरी आंटी, मेरी मम्मा नहीं आई। गुड़िया, तेरी माँ मेरे साथ नहीं गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ रह गई। इतना बोलकर गौरी कभी अपने घर में घुस जाती है। बारिश तेज होने लगी थी और तभी चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है। इधर मम्मा चिड़िया भी गुड़िया की बहुत चिंता कर रही थी। हे ऊपर वाले, ऐसी खतरनाक बारिश मैंने कभी नहीं देखी, मेरी बच्ची को सही सलामत रखना, क्योंकि आज वो अकेली है, उसकी मम्मा उसके साथ नहीं है। ऐसे चिड़िया काफी देर से चिंता कर रही थी और रोई जा रही थी। अचानक ही अंगूर की बेल बोल पड़ती है, चिड़िया मैं एक जादुई बेल हूँ और मैं देखकर बता सकती हूँ कि आपकी बेटी अब किस हाल में होगी। जादुई बेल जी, जल्दी देखकर बताएं, मेरी बेटी कैसी है, मेरा तो गला बैठा जा रहा है। फिर अंगूर की बेल अपने जादू से देखती है कि गुड़िया तेज पानी में बहे जा रही थी। चिड़िया दिल थाम लेना, आपकी बेटी खतरे में है, घर टूट गया है, वो नदी के तेज बहाव में बहे जा रही है। मैं अभी जाती हूँ, अब एक पल नहीं रुकूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। रुको रुको चिड़िया, आप अकेली गुड़िया को नहीं बचा पाओगी, मैं आपको कुछ देती हूँ। फिर वो जादुई बेल चिड़िया को एक चूड़ी देती है और बोलती है, लो चिड़िया, ये जादुई चूड़ी है, इससे आप जो भी मांगोगी ये चूड़ी उसी का आकार लेगी, तुम इसका ध्यान रखना। जादुई बेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी खतरे में है। फिर रानो चिड़िया उस चूड़ी को लेकर वहाँ से चली जाती है और गुड़िया को ढूंढने लगती है। कोई मुझे बचाओ, मम्मा बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचाओ, वो रही गुड़िया, लेकिन पानी बहुत तेज है। हे जादुई चूड़ी, आप एक नाव बन जाएं। चिड़िया के ऐसे बोलते ही चूड़ी एक नाव बन जाती है और पानी में उतर जाती है। मम्मा चिड़िया नाव में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में ही गुड़िया के नजदीक पहुंच जाती है। वो झट से अपनी बेटी को नाव में लेती। मम्मा आप कहाँ चली गई थी, गुड़िया मेरी बच्ची आप ठीक तो हो ना, आपको कोई चोट तो नहीं लगी। हाँ मम्मा अब मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको ये चूड़ी की नाव कहाँ से मिली। फिर चिड़िया अपनी बेटी को पूरी बात बताती है।
मम्मा, तेज आंधी तूफान में हमारा घर टूट गया, तो अब हमें दूसरा घर बनाना नहीं पड़ेगा, हम इस चूड़ी से ही घर बनाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जादुई चूड़ी से घर मांगती है और तभी वहाँ पर चूड़ियों का बहुत सुंदर घर बन जाता है, जिसे देखकर मम्मा बेटी तो बहुत खुश होती है। मम्मा, हमारा चूड़ी घर तो बहुत सुंदर है, अब हम इसी में रहेंगे। ये सब उस अंगूर की बेल की वजह से हुआ, जो उसने मेरी इतनी मदद की। उस दिन के बाद चिड़िया माँ बेटी अपने चूड़ी घर में खुशी खुशी रहती है। आपका धन्यवाद। जंगल में आंधी तूफान आ रहा था, आसमान में घने काले बादल मंडरा रहे थे। माँ, देखो ना, कितनी तेज आंधी आई है, लगता है आज बारिश होगी। अरे, हमारे घर की तो छत खराब है, इस बारिश को भी आज ही आना था, अब मैं क्या करूँ। माँ, कबूतर अंकल अपने घर की छत की मरम्मत कर रहे हैं, चले हम भी अपने घर की छत ठीक करते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही थी, वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए छत तक पहुँच जाते हैं। कुकू थोड़ी दूर बैठा था। कुकू बेटे, मुझे हथौड़ा और केले दो, यहाँ की छत खराब है। ऐसे रानो चिड़िया टूटी छत को ठीक करने लगती है। उसने शुरुआत ही की थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू मेरे बच्चे, घर के अंदर चले, अब जो होगा सो देखा जाएगा, ये बारिश बहुत तेज है, आप जल्दी अंदर चले। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को घर के अंदर ले जाती है। घोंसले में उसकी छोटी बेटी गुड़िया बैठी थी, जो टूटी छत के आने वाले पानी से भीग रही थी। गुड़िया बेटी, यहाँ पानी टपक रहा है, आप यहाँ आ जाएं। गुड़िया वहाँ से अपनी मम्मा के पास आ जाती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे घर की छत टपकने लगती है। रानो चिड़िया घर के सारे बर्तन पानी गिरने की जगहों पर रख देती है। मम्मा, हमारे घर की छत तो पहले से खराब थी, तो आपने ठीक क्यों नहीं करवाया, अब बारिश का पानी सारा घर में भर जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। बेटी गुड़िया, हमारे घर की छत कई सालों पुरानी है, इसे पक्की करवाने के लिए पैसे लगेंगे, जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम गरीब पक्षी हैं। ऐसे वो गरीब रानो चिड़िया का परिवार बहुत दुखी था, तो दूसरी तरफ उनके अमीर पड़ोसी बारिश का मजा ले रहे थे। कालू जी, ऐसी तेज बारिश मैंने कभी नहीं देखी, चलो बारिश में नहाते हैं, बाहर जग्गू नारा है। चलो चलो, मना किसने किया है, मैं तो कब से तैयार हूँ। फिर कालू गोरी भी बारिश में नहाने चले जाते हैं। उनका बेटा जग्गू तो वीडियो बना रहा था। हेलो गाइज, आप देख सकते हो हमारे जंगल में आज कितनी तेज बारिश है, और ये क्या, बारिश का आनंद लेने मम्मी पापा भी आ गए। जग्गू बेटे, ये तुम किससे बातें कर रहे हो। मम्मी, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, पहले मेरे ऑडियंस से कहो मेरी इस बारिश की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि मैं हर रोज ऐसी बारिश की वीडियो बना सकूं। जग्गू कौवा ने ऐसा बोला ही था, तभी उसकी नज़र रानो चिड़िया के घर पर जाती है। वो तीनों माँ बेटा बारिश का पानी बाहर निकाल रहे थे। जग्गू बेटे, वो देखो, बारिश में गरीब चिड़िया का परिवार कैसे काम कर रहा है, जल्दी जल्दी इनकी भी वीडियो बनाओ। हाँ हाँ मम्मी, मैं इनकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। गुड़िया कोको, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, वरना पूरा घर पानी में डूब जाएगा। मम्मा, वो देखो, जग्गू हमारी वीडियो बना रहा है और गौरी आंटी हंस रही हैं। गुड़िया, आप उन पर ध्यान मत दो, वो ठहरे अमीर पक्षी, आप अपना काम करो, पानी ज्यादा होता जा रहा है। इस तरह से गुड़िया कौवों की तरफ नहीं देखती। जग्गू, तुम अच्छे से वीडियो बनाना, मैं रानो चिड़िया के पास जाती हूँ। ऐसे बोलकर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। दोस्तों, आपने इतनी गरीब चिड़िया कभी नहीं देखी होगी, लेकिन हमारी इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये गरीब माँ बच्चे कैसे बारिश का पानी अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं। गौरी आंटी, हम गरीब हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारी वीडियो बनाएं। चलो चलो, अपना काम कर, तुम जैसे गरीब बहुत हैं जंगल में। आया बड़ा। जग्गू बेटे, वीडियो अच्छी बन गई। हाँ मम्मा, चले, वीडियो बहुत अच्छी बनी है। ऐसे बोलते हुए गौरी और जग्गू अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू को तो बहुत बुरा लगता है। बारिश रुक जाती है, उनका सारा सामान भीग गया था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब आप खाना
खाना बना दे। बच्चों मैं खाना कैसे बनाऊं? लकड़ी उपले सब भीग गए और हमारा चूल्हा तो भीग कर पूरा खराब हो गया। मैं इसमें आग कैसे जलाऊंगी? माँ मैं दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आता हूँ और आप तब तक पत्थर का चूल्हा बना ले। कुकु बेटे अभी अभी बारिश हुई है तो आपको सूखी लकड़ी कहाँ से मिलेंगी? आप रहने दे, मैं आज कौवों के घर रोटियाँ बना लाती हूँ। उनके घर गैस चूल्हा है। नहीं माँ आप उन बुरे कौवों के घर ना जाएं। वो हमारी गरीबी पर हंसते हैं और वीडियो बनाते हैं। आप कबूतर अंकल के घर जाएं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया रोटी बनाने का सामान उठाकर कबूतर के घर चली जाती है और अपनी परेशानी बताती है। कबूतर तो घर पर नहीं था। उसकी पत्नी लूसी सोचती है थोड़ी सी तो लकड़ी है, वो भी ये रानो खत्म कर देगी, फिर मैं सुबह का खाना कैसे बनाऊंगी। कबूतर जी तो है नहीं, झूठ बोल देती हूँ। लूसी बहन बस आज का खाना बनाने दे, मैं जितनी भी लकड़ी जलाऊंगी आपको वापस कर दूंगी। रानो चिड़िया लकड़ी तो मेरे पास भी नहीं है, आप गौरी के घर चले जाएं। ठीक है लूसी बहन, अब तो कौवों के घर ही जाना पड़ेगा, मैं चलती हूँ। ऐसे बातें कर वो दोनों कौवों के घर जाती है। गौरी दरवाजा खोलती है तो उनके घर से तो गुड़िया को बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। गौरी बहन बारिश के पानी में पूरा घर गीला हो गया, खाना भी नहीं बना पाई। आपके घर में गैस सिलेंडर है, कृपया मुझे थोड़ी सी रोटियां बनाने दें। गौरी कभी तो उनकी मदद करने की बजाय उन्हें फिर से चिढ़ाती है। रानो अभी तो गैस खाली नहीं है, एक पे चाय बन रही है और दूसरी पे गरम गरम पकौड़े। कोई बात नहीं गौरी बहन, मैं इंतजार कर लूंगी। ठीक है तो करो इंतजार। ऐसे बोलकर गौरी कभी घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया माँ बेटी दरवाजे पर ही इंतजार करती है। सामने बैठा जग्गू कौवा तो पकौड़े खा रहा था। उसे देखकर गुड़िया की भूख तो बढ़ती जाती है। मम्मा हमारे पास तो रोटी बनाने का साधन नहीं है और जग्गू कितने मजे से चाय पकौड़े खा रहा है। देखें कितना फर्क होता है अमीरी और गरीबी में। उन्हें बाहर खड़े खड़े काफी देर हो गई थी लेकिन गौरी उन्हें बुलाने नहीं आती। फिर रानो ही गौरी कवि को आवाज देती है। गौरी बहन अभी तक आपका खाना बना नहीं है। ओहो रानो मैं तो भूल ही गई थी, गैस खत्म होगी, अब तुम खाना नहीं बना पाओगी, तो जाएं। चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। कालू आज इनको इंतजार करवा के बड़ा मजा आया, मैं कोई पागल थोड़े ना हूँ जो ऐसे गरीबों को अपनी रसोई में जाने दूँ। मम्मा हमने जो चिड़िया की बारिश की वीडियो बनाई थी वो लोगों को अच्छी लगी और सभी ने लाइक भी की। ऐसी बात है तो आने दो बारिश को, फिर से उस गरीब चिड़िया की ही वीडियो बनाएंगे। अब तो गौरी का भी बारिश आने का इंतजार करने लगी थी। इधर गरीब चिड़िया का परिवार भूखे सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उनको क्या पता था आज की रात उनकी गरीबी की आखिरी रात है। सुबह हो जाती है, कुछ बड़े बड़े अमीर पक्षी उनके घर के बाहर खड़े थे। बहन जी आपकी वीडियो देखकर मुझे आपकी गरीबी पर रोना आ गया और मैं आपके बच्चों के लिए कपड़े और खाना लाया हूँ। हाँ बहन जी और ये पैसे मेरी तरफ से, अपने घर को आज ही पक्का बनवा लो। हाँ चिड़िया बेटी और ये लो, मैं इस बुग्गी में नाज चावल और चने के दाने लाई हूँ, अपने घर में रख लो, खाने की चिंता ना करना। भाई जी मैं तो जानती भी नहीं हूँ आप कौन हो और मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। अरे आपकी वीडियो वायरल हो गई है, देश भर के पक्षी आपकी वीडियो देख रहे हैं, अब आपको सब जानते हैं। इस तरह से चिड़िया के पास ढेर सारे कपड़े मिठाई और पैसे आने लगे थे। अब चिड़िया की गरीबी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। उनका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी से पक्के और आलीशान घर में बदल जाता है। अब चिड़िया और उसके बच्चे तो बहुत खुश रहते। आपका धन्यवाद। गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा कई दिनों से मोबाइल फोन की जिद कर रहा था। जग्गू बेटे अब खा भी ले, मैंने आपकी पसंदीदा गाजर की खीर बनाई है। नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, जब तक मुझे पर्सनल मोबाइल नहीं मिल जाता कुछ भी नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। मरे तेरे दुश्मन, ऐसी बात फिर से न बोलना, शाम हो जाने दो, तेरे पापा से बात करूंगी, अब तो खा ले मेरे बच्चे। हाँ तो मम्मा मैं शाम को ही खाऊंगा, जब पापा मुझे मोबाइल देने की हाँ भर लेंगे। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा अपने घोंसले में बिना कुछ खाए पिए ही लेट जाता है। शाम हो जाती है, काम से थका हारा पापा कौवा घर आता है। क्या जग्गू ने कुछ खा लिया है? नहीं, सुबह से भूखा बैठा है मेरा बेटा, आप ला क्यों नहीं देते उसे मोबाइल? अभी ये बच्चा है, स्कूल भी खत्म नहीं हुआ इसका, तो ये मोबाइल में क्या करेगा? पापा मेरे कॉलेज के सब
बच्चों के पास मोबाइल है, मैं बस अकेला ही हूँ। और कुकू, कुकू भी तो आपके साथ पढ़ता है, उसके पास तो कोई मोबाइल नहीं है। कालू जी, उस कुकू की होड़ ना करें मेरे बेटे की, वो तो गरीब चिड़िया है, इतनी महंगी चीज अपने बेटे को कभी नहीं दे सकती, लेकिन हम तो दे सकते हैं। हाँ पापा, मम्मा एकदम ठीक कहती है, और अब तो मोबाइल से ही सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका दिमाग तेज होता है, ऐसा मेरे टीचर जी कहते हैं। मुझे सब पता है, ये बात तुम अपने मन से बना रहे हो, मैं बुद्धू नहीं हूँ। पति जी, अब छोड़ भी दें जिद, बच्चा है एक मोबाइल ही तो मांग रहा है, और अब की नई जनरेशन में तो ये आम बात हो गई है। फिर पापा कौवे को दोनों की बात माननी ही पड़ती है। वो अगले दिन ही जग्गू को लेकर मोबाइल फोन की दुकान पर जाता है। कबूतर, मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा सा मोबाइल दिखाएं। नहीं कबूतर अंकल, आप स्मार्ट और बड़ा मोबाइल दिखाएं, बच्चों वाला नहीं। कबूतर उसके लिए स्मार्टफोन निकालता है। ये देखो, बहुत अच्छा मोबाइल है, सिर्फ 15,000 से शुरू स्मार्टफोन है। 15,000? इससे कम रेट में नहीं मिलेगा? आपके लिए 12,000 में लग जाएगा, इससे कम नहीं होगा, और वैसे भी बच्चे को पसंद है, आप ले ले। हाँ पापा, मैं यही मोबाइल लूंगा। फिर पापा कौवा अपने पर्स से कबूतर को पैसे देता है। मोबाइल फोन लेकर जग्गू कौवा तो बहुत खुश था। रास्ते में लौटते समय उनकी मुलाकात चिड़िया से होती है। कौवे भैया, कहाँ से आ रहे हो? जग्गू बेटे, क्या खरीद कर लाए हो? चिड़िया बहन, जग्गू को मोबाइल दिला कर लाया हूँ, जरा देखो तो, अच्छा है? चिड़िया मोबाइल फोन अपने पंख में लेकर देखती है। मोबाइल तो महंगा वाला लगता है, क्या सच में ये मोबाइल जग्गू के लिए है? मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं तो चिड़िया, मैं ऐसा मजाक क्यों करूँगा, ये मोबाइल जग्गू के लिए ही है। इतना महंगा फोन जग्गू के लिए ठीक नहीं है, वो अभी बच्चा है। कहो था, मैंने भी ऐसे ही कहा था, लेकिन ये और इसकी माँ मेरी कोई बात नहीं सुनते। पापा पापा, चिड़िया आंटी से बाद में बातें कर लेना, अभी घर चले, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। ऐसे जग्गू कौवा अपना मोबाइल लेकर चला जाता है। अब तो खुश है ना मेरा राजा बेटा? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रास्ते में रानो आंटी मिल गई थी, वो पापा को भड़का रही थी। उसका तो काम ही है दूसरों को भड़काना। खैर छोड़ो, तुम्हें तो मोबाइल मिल गया, अब खुश रहो। उस दिन के बाद जग्गू कौवा अपने मोबाइल में ही लगा रहता, ना किसी से मिलना जुलना और ना ही खेलना, बस सारा सारा दिन मोबाइल में ही बिता दिया करता। जग्गू बेटे, जब से नया मोबाइल मिला है तुम जरा भी नहीं घूमते फिरते, सुबह शाम बाहर की ताजा हवा लेनी चाहिए, जाओ थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ भी खेल लिया करो। मम्मा, मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं। नहीं जग्गू, तुम्हारे पापा देखेंगे तो लड़ाई शुरू कर देंगे, तुम जाओ। ऐसे मम्मा की डांट खाते हुए जग्गू घर से बाहर चला जाता है। नदी पर चिड़िया का बेटा, किक्की कबूतर का बेटा, तोते का बेटा सब मजे से खेल रहे थे। आओ आओ जग्गू, बड़े दिनों बाद बाहर निकले हो, अब तो खेलना भी छोड़ दिया तुमने। नहीं बुलबुले, मैं खेलने के लिए नहीं आया हूँ, वो तो मैं माँ के कहने से आ गया हूँ, मैं बच्चा थोड़े ना हूँ तुम सब की तरह, बड़ा हो गया हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू नदी के पास एक पत्थर पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल चलाता है, बाकी के सब बच्चे खेलने में व्यस्त थे। तभी तेज बॉल आते हुए जग्गू के पंख में लगती है और मोबाइल सीधा नदी में जाकर गिर जाता है। ये बॉल किसने मारी थी, बताओ जल्दी बताओ। जग्गू जग्गू, ये बॉल कुकू ने मारी थी। हाँ मैं सच कहता हूँ, मेरा मोबाइल कुकू ने नदी में गिरा दिया, अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू भागता हुआ घर आता है और गौरी को सब बता देता है। गौरी का बीबी तेजी से उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है और उल्टा सीधा बोलती है, खोलो गेट, खोलो चिड़िया, घर में क्यों घुसी हो? क्या बात है गौरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सारे पक्षी देख रहे हैं, आप आराम से कहें, आखिर बात क्या है? देखते हैं तो देखने दो, और अपने बेटे को बुलाओ, उसने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है कुछ मालूम भी है? कुकू डरता हुआ बाहर निकलता है। कुकू बेटे, आपने क्या किया है जो गौरी का भी सांस नहीं ले रही? मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं किक्की और बुलबुले के साथ नदी पर बॉल से खेल रहा था, तो अचानक से बॉल जग्गू के फोन पर जा लगी और उसका मोबाइल नदी में गिर गया, बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? सुन लिया चिड़िया, और आप सबने भी सुन लिया होगा, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, वो तो चुपचाप बैठा था, इस चिड़िया के बेटे ने जोर से बॉल मारी और मेरे जग्गू का महंगा फोन नदी में गिरा दिया। गौरी, मेरे बेटे की भी कोई गलती नहीं है, जब बच्चे वहाँ
खेल रहे थे तो जग्गू नदी किनारे फोन ही क्यों चला रहा था। अरे वाह चिड़िया, बेटा नुकसान करे और माँ भरपाई भी ना करे। पूरे 15,000 का था फोन, बिल्कुल नया। मुझे सीधे सीधे फोन दो या फिर पैसे, वरना अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। चल जग्गू। ऐसे धमकी देकर गोरी जग्गू को वहाँ से लेकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया तो बहुत चिंता में पड़ गई थी। अब ये नई मुसीबत भी आनी थी, अगर गोरी को पैसे नहीं दिए तो वो इससे भी बड़ा तमाशा करेगी। मुझे पैसे उसे आज ही देने पड़ेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर का कुछ सामान बेचती है और पैसे लेकर कौवे को दे आती है। जग्गू को फिर से नया मोबाइल फोन मिल जाता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। जग्गू अपने मोबाइल को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता, वो हर समय फोन में ही लगा रहता। एक दिन पुलिस की जिप्सी जग्गू कौवे के घर आती है। जग्गू नाम का कौवा यहीं रहता है, उसको बाहर निकालो। जग्गू रोते हुए बाहर निकलता है। सब पक्षी देख रहे थे। अच्छा तो तुम हो जग्गू? हाँ पुलिस जी, ये मेरा बेटा जग्गू है। आपका बेटा ऑनलाइन जुआ खेलता है, हमने इसके जैसे कई सारे बच्चों को पकड़ा है। जुआ खेलता है, ये नहीं हो सकता, इसके पास तो पैसे भी नहीं है। अपना अकाउंट चेक करें, जब पता चलेगा आपका बेटा जुआ कहाँ से खेलता है। फिर कालू कौवा अपना अकाउंट चेक करता है, उसमें तो 1 रुपया भी नहीं था। गोरी हम लूट गए, मेरे बैंक में 0 बैलेंस है, अब तक की सारी कमाई इसने सब जुए में लुटा दी। अब हो गया यकीन, हमें अपना काम करने दो, हम इसे जेल ले जाते हैं और 6 महीने तक इसकी बेल भी नहीं होगी। फिर पुलिस जग्गू को पकड़ कर ले जाती है। गोरी का भी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी, वो वहाँ मौजूद पक्षियों के सामने नजर भी नहीं मिला पाती। तो प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों पर ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।